लड़की जो एक लड़के से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसे आधे रास्ते में छोड़ चला गया, यानी कि उस पे चीट करता है। और उसी दिन उस लड़की को प्यार से भरोसा टूट जाता है और वो उस दिन के बाद से सोचती है कि अब उसे आगे बढ़ना है। और आगे चल के ना तो वो एक सक्सेस सी रेस्टोरेंट खोलती है और उसके साथ वो एक फॉर्चून टेलर भी बनती है, यानी कि सबके फ्यूचर को बताती है। हालांकि ये उसका पेशा नहीं है, बस उसे अच्छा लगता है और वो ज्यादातर प्यार के मसले पे ही अपना फॉर्चून बताती है। हालांकि उस इंसिडेंस के बाद उसे किसी पे भी भरोसा होना खत्म हो गया है, बट उसे प्यार करने वालों पर अभी भी भरोसा नहीं टूटा। और एक दिन उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि उसे दो रूप में मिलता है और अनजाने में वो उसका पड़ोसी बन जाता है। और अब गदुरी ने ठान लिया है कि अब वो उस लड़के का पता लगाएगी कि ये कौन है। तो ये कहानी इन पे बेस्ड गदुरी और वुबिन की है। क्या गदुरी वुबिन को ढूंढ सकेगी और क्या ढूंढने के ठान में गदुरी वुबिन से प्यार कर बैठेगी, और ये तो हमें ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। पार्ट वन के स्टार्टिंग में हम लोग गदुरी को देखते हैं जो एक फिश मार्केट में आई थी, बिल्कुल ही एक टिप टॉप बन के, और सारे लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। और फिर हम लोग गदुरी के रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ देखते हैं और वहाँ जी सुंग और एक लड़की आते हैं। तो वो लड़की बोलती है, यहाँ आना जरूरी था क्या? देखो कितनी भीड़ है, मैं कभी इतनी लाइन में खड़ी भी नहीं हुई हूँ। तो वहाँ दो लड़कियाँ आकर उनसे पूछती है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ का खाना इतना अच्छा है क्या? यहाँ का सबसे अच्छा डिश कौन सा है? तो फिर जी सुंग बोलता है, आपने इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं है क्या? अब आपको जी सुंग इसके बारे में बताएगा। वो एक सुंदर लड़की दिख रही है और फिर हम गदुरी को देखते हैं और जी सुंग गदुरी की ही बात कर रहा था। तो वो लड़की गदुरी को देख के हैरान रह जाती है और बोलती है, वो तो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर है, तो ये जगह उनकी सुंदरता की वजह से ही फेमस है। तो फिर जी सुंग बोलता है, नहीं ये बात नहीं है, वो तैयार हो कार्ड में भी बहुत अच्छी है, खासकर तो प्यार के मामले में। तो वो लड़की बोलती है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं है पर ये हमारे कॉलेज में बहुत फेमस है, प्यार के तैयार हो कार्ड पढ़ने की वजह से। तो फिर जी सुंग बोलता है, आपको ये मालकिन दीदी की खूबी के बारे में पता है? इसने बहुत से लड़कों को अपनी उंगलियों में नचाया है, मेरी दूर की दीदी की दोस्त की बहन और ये मालकिन दीदी एक ही कॉलेज में थे, कॉलेज शुरू होने के खत्म होने तक। और फिर हम 7 साल के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फिर इस फ्लैशबैक में जी सुंग नरेशन दे रहा था कि वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, हर लड़के का पहला प्यार थी, कॉलेज की अप्सरा। और हम देखते हैं कि गदुरी रोज अलग अलग लड़के के साथ घुमा करती थी। और फिर हम लोग अगेन गदुरी को देखते हैं जो कि अपने स्मूथ स्किल से फिश को काट रही थी और उसका फिश काटने का स्किल बहुत ही कूल था। और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। तभी जी सुंग के पास गदुरी आकर बोलती है, तुम ही कस्टमर नंबर 17 हो, अब तुम आ सकते हो। और फिर जी सुंग और वो लड़की अंदर आकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ जो करने आए थे वो करो, बस उसे बता दो। तो फिर जी सुंग बोलता है, करने वाला था पर मुझे बस थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए किसी एक्सपर्ट से। वैसे तुम आ ही गई हो तो कुछ पूछ लो, तुम किसी को पसंद नहीं करती हो क्या? तो वो लड़की बोलती है, नहीं मैं ये तैयारो व्यारो कार्ड सब में विश्वास नहीं करती। और तभी वहाँ गदुरी आती है अपना स्पेशल गदुरी डिश लेकर, और वो डिश सब ने मंगवाया था। और सारे लोग विश करने लगते हैं कि गदुरी उनके ही टेबल को चुने, बिकॉज गदुरी सिर्फ एक ही टेबल को चूज करती है उनका तैयारो कार्ड बताने के लिए। और फिर हम लोग देखते हैं गदुरी ने उन दो लड़कियों को चूज किया जिसे कि जी सुंग ने सब कुछ बताया था। और वो लड़कियां जब अंदर आती हैं तब वो देखती हैं कि गदुरी ने काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं। और फिर गदुरी सुजुंग से उसकी परेशानी पूछती है, बट वो बताने से हिचकिचाने लगती है। तो गदुरी कार्ड्स को फैला के बोलती है, पहले अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में सोचते हुए एक कार्ड को उठाओ। वो वैसे ही करती हैं और फिर हम लोग छावुबिन को देखते हैं जो कि हमारा मेन लीड कैरेक्टर है। और वो गदुरी के रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, बट वो वहाँ पे एक नोटिस देखता है जिसमें लिखा हुआ था, सारा खाना खत्म हो गया है। ये देख के वो काफी ज्यादा अपसेट होता है। और इधर हम लोग जी सुंग और उस लड़की को गदुरी के रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं, जहाँ जी सुंग जिद बना के बैठा था कि जब तक गदुरी से मिलकर बात नहीं करेगा तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा, बट वो लड़की कैसे भी करके उसे वहाँ से लेकर जाती है। और इधर हम लोग वुबिन को देखते हैं जो कि अपने घर में था और वो दुकान की लाई हुई मछली खाने ही वाला था कि वो अपने दीवार से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनता है। और हमें पता चलता है गदुरी वुबिन की पड़ोसी है और वो जो लड़की रो रही थी वो सुन जोंग थी। और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे लगता है उसका बॉयफ्रेंड उस पे चीट कर रहा था, बट फिर भी सुजोंग उस लड़के को वापस पाना चाहती है। और ये सुन के तो गदुरी का पारा हाई हो जाता है और वो बोलती है, अब क्यों तुम उस धोखेबाज को वापस लाना चाहती हो? उसके ऊपर अपना आंसू बर्बाद मत करो, उस जैसे लड़के को तो मछली के जैसा काट देना चाहिए। इस तरह के बहुत लड़के
इस दुनिया में भरे पड़े हैं। उसे जाने मत देना, उसे तुम बहुत मारना। और ये सब वूबिन भी सुन लेता है और उसे गदूरी काफी अजीब भी लगती है। और हमारे वूबिन को पता ही नहीं था कि उसकी पड़ोसी गदूरी है। और इधर गदूरी सूजियों को एक न्यू कार्ड उठाने को बोलती है, वो वैसा ही करती है। तो उस लड़की के बेसिस पे गदूरी बोलती है, इस कार्ड का संकेत है एक नई शुरुआत, मुझे लगता है आपके साथ कुछ नया होने वाला है। और वूबिन ये सब सुन के पक जाता है और इसलिए वो दीवार पे ठोकने लगता है, जिस वजह से 2 मिनट के लिए साइलेंस हो जाती है और उसे लगता है अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर से वो लोग चिल्लाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वूबिन आईपॉड्स लगा लेता है और कुछ न्यूज़ वीडियो देखने लगता है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां वूबिन तैयार व्यार होकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था। और गाइस, वो कल चश्मिश लग रहा था और आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम। वेल, उसे अलार्म की आवाज आने लगती है और तब उसे रियलाइज होता है कि वो अलार्म उसके पड़ोसी का ही बज रहा है। और तब वो अपने पड़ोसी को उठाता है, यानी कि गदूरी को। और फिर गदूरी अपना ब्रेकफास्ट करती है और इधर वूबिन अपने कंपनी आ चुका था और वो अपने कंपनी का CEO है, जहां उसका एक वर्कर आकर उसे एक लड़की की प्रोफाइल दिखाते हुए बोलता है, ये VR मॉडल की प्रोफाइल है, मार्केटिंग टीम ने मीटिंग करके इन 5 लड़कियों को चुना है। तो वो वर्कर उसे एक सेक्सी मॉडल की पिक दिखा के बोलता है, ये चलेगी, आज के लिए बहुत फेमस है। तो फिर वूबिन बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी हो जाएगी, हमारे जो बिकनीज है वो लेडीज खरीदती हैं, अगर मॉडल ज्यादा सेक्सी हुई तो उनके लिए ये अजीब हो सकता है। और हमारे बोर्ड का कॉन्सेप्ट है इनरवियर, जो कि आरामदायक हो और अच्छे हो, हमें ऐसी मॉडल चाहिए जो हेल्दी और प्यारी हो, जो लोगों को अपने तरफ मोड़ने में मजबूर कर दे। और फिर हम लोग गदूरी को देखते हैं जो कहीं जा रही थी और वो जाते जाते अपनी खूबसूरती का जाल बिछाए जा रही थी। कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उसे मुड़ मुड़ के ना देख रहा हो। और हम लोग रात का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां गदूरी को सुन च्योंग की फ्रेंड पे शक हुआ था, इसलिए उसने उसे सुन च्योंग के बॉयफ्रेंड की कंपनी की एड्रेस, फोन और उसके पिक्स सब कुछ ले लिया था। और उस टाइम गदूरी के सामने ही सुज्योंग के बॉयफ्रेंड का कॉल उसकी फ्रेंड के पास आया था। और हम प्रेजेंट में देखते हैं गदूरी सुज्योंग के बॉयफ्रेंड के कंपनी के बाहर थी और उसे वो बिनोर्स के साथ 2 लड़के भी दिखते हैं। और गदूरी उसके पास जाकर बोलती है, हेलो, मैं VVC की लव नोवेल राइटर हूँ। तो बैंग सियोंग वो बोलता है, मैं जानता हूँ उस शो के बारे में और वो शो मैं देखता भी हूँ, वैसे आप बहुत खूबसूरत। और वो बिन गदूरी को देख के स्माइल करते हुए मन में बोलता है, सेक्सी, प्यारी और जवान भी। और ये सोचने के बाद वो बिन गदूरी से उसका नंबर भी मांगता है। और फिर हम लोग गदूरी को उसके रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं, जहां वो बिन को लेकर सोच रही होती है और बोलने लगती है, जब मेरा फोन नंबर उसने लिया है तो अभी तक उसने कॉल क्यों नहीं किया। और फिर से अगेन हम लोग कल रात का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां गदूरी ने सुन ज्योंग को भी कार्ड चूज करने को बोला था, बट वो करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गदूरी की जबरदस्ती की वजह से उसे चूज करना ही पड़ता है और उसका कार्ड आता है बेवकूफ का। तो फिर गदूरी बोलती है, ये बेवकूफ वाला कार्ड है, अगर सीधा मतलब निकालूं तो इसका मतलब मासूम और आजाद होता है, पर ये कार्ड उल्टा है तो ये अच्छी बात नहीं है, झूठ दो चेहरे वाली ये मतलब होता है इसके उल्टे कार्ड को होने का। और ये सुन के तो सुन ज्योंग की जान ही सूख गई थी। और फिर हम लोग वो बिन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। जो सियोंग को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए देखता है और उसके बात करने का तरीका काफी चिपचिपा था तो उन्हें काफी अजीब लगता है। तो फिर वूबिन बोलता है, तुम जलो मत, मुझे पता है ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तो उसका असिस्टेंट बोलता है, ये मुझे आपसे नहीं सुनना, मैंने आपकी तरह डेटिंग से संन्यास नहीं लिया है, अगर सुंदरता को ऐसे बर्बाद करना है तो आप ये मुझे दे दो, इस चेहरे के साथ नहीं पता आप डेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर वूबिन बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं डेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डेट करना ही नहीं चाहता। और फिर हम लोग वूबिन को एक कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं, अगेन अपना हुलिया चंपू जैसा बना लिया था। वेल, मुझे तो इसमें भी काफी हैंडसम लग रहा था, बट इन लोगों के हिसाब से तो इसे चंपू ही बोला जाएगा। और इधर गदूरी सुन ज्योंग को मिशोया के घर के बाहर लेकर आती है और वो दोनों छिप के मिशोया और सियोंग को देखने लगते हैं। और गदूरी का शक सही निकलता है, मिशोया सियोंग के साथ मिलकर सुन ज्योंग को चीट कर रही थी। और ये सब सुन के तो सुन ज्योंग के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और ये सब देख के गदूरी को उसके वक्त का
याद आता है जब उसे भी उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था। और ये सब याद करके गदूरी सुन ज्योंग को उन दोनों के सामने लेकर जाती है, जिससे स्योंग तो पूरा डर ही गया था और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। और इतना दिल टूटने के बाद भी सुन ज्योंग बोलती है, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और फिर हम लोग वो बिन को देखते हैं जो गदूरी को उसके रेस्टोरेंट वाले काम करते हुए देख के बोलता है, ये फिश वाला काम आपका दूसरा काम है। बट गदूरी उसे पहचान नहीं पाती और वो बिन भी डिसाइड करता है कि वो गदूरी से ये बात छिपाएगा कि वो ही वो बिन है। और गदूरी की नज़र वो बिन के इनर वाले डब्बे पे पड़ती है और उसे एक इनर वेयर दिख जाता है, जिसे देख के गदूरी मन में बोलती है कि ये क्या है, इनर वेयर है? कोई लड़का किसी लड़के की इनर वेयर से भरी डब्बे को क्यों लेकर घूमेगा, ये तो गंदे लोग करते हैं ना। और तभी भूल से गदूरी उस इनर वेयर वाले डब्बे को जोर से मार देती है, जिसकी वजह से वो इनर वेयर वाला डब्बा हवा में जाकर खुल जाता है और वहाँ पे इनर वेयर की बारिश होने लगती है। और गदूरी फिसल के नीचे गिरने वाली होती है कि वो बिन उसे अपनी बाहों में लेकर संभालता है। और माहौल रोमांटिक बन ही रहा था कि गदूरी के ऊपर एक बड़ा आकर गिरती है, जिसे देख के गदूरी को काफी अजीब लगता है और वो बिन को घूरने लगती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। Had me fall into the ground.